ओम शांति। हमारा जीवन संपूर्ण रूप से स्पिरिचुअल है और ये समय है जबकि हमें सब कुछ छोड़कर अपने को संपूर्ण बनाकर घर वापस चलना है। ये समय है जब हमें कहीं भी अटकना नहीं है। अगर हम कहीं भी अटक जाते हैं तो हमारा बुद्धि योग नीचे रहेगा और हम योग का परम आनंद नहीं ले पाएंगे। संगम युग पर विशेष रूप से न्यारापन और प्यारापन ये परम आवश्यक है और ये हमें याद रखना चाहिए कि हमें किसी के प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं करना है। भगवान वाच है, जो दूसरों के प्यारे बनने का पुरुषार्थ करते हैं वो प्यारे बनने की बजाय और ही दूर हो जाते हैं, न्यारे हो जाते हैं। वास्तव में जो जितने देह से न्यारे बनेंगे वो उतने ही सबके प्यारे बनेंगे। तो हमें पुरुषार्थ देह से न्यारे होने का करना है, न कि किसी के प्यारे होने का, क्योंकि प्यारे होने से अटैचमेंट हो सकता है, लगाव हो सकता है, झुकाव हो सकता है और हमारा बुद्धि योग नष्ट भ्रष्ट हो सकता है, जो हमारे लिए आगे चलकर बहुत बड़ा नुकसान का कारण बन जाता है। मनुष्य उसमें कई गलतियां कर लेता है और फिर उसे पश्चाताप की अग्नि में जलना पड़ता है। तो हम लक्ष्य बनाएं, जब हम संगठन में रहते हैं, जब हम सेवाओं में रहते हैं, जब हम दूसरों के संपर्क संबंध में रहते हैं तो न्यारे भी रहें और प्यारे भी रहें। प्यार दें और न्यारे हो जाएं, प्यार देकर कुछ कामना न करने लगे। प्यार देकर मनुष्य रिटर्न में प्यार चाहता है, वहां समस्याएं पैदा हो जाती हैं। हमारा काम बाबा की तरह है, जैसे बाबा प्यार का सागर है, हमारे पास आता है, सबको बहुत प्यार देता है और फिर सेकंड में न्यारा हो जाता है। तो प्यार का सागर भी है और निर्मोही भी है। कितनी बड़ी स्थिति है। वैसी स्थिति लविंग एंड डिटेच्ड, दोनों न्यारे और प्यारे, ये हमें बनानी है। सेवाओं के फील्ड में हम रहते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से हमें रहना है और फिर कार्य पूरा हुआ एकदम देह से न्यारे होकर बाबा के पास उठ जाना है। ये होगी प्यारी स्थिति और सबसे न्यारी स्थिति। डिटेचमेंट बहुत सुंदर चीज है। हमें वस्तुओं में भी न्यारे और प्यारे होना है। मान लो हमारे पास एक बहुत ही सुंदर कार है, हम उसको यूज करते हैं, हमारा उससे बहुत प्यार भी है, लेकिन अवस्था ऐसी बनानी है, यूज किया बहुत अच्छा, पूरा हो गया डिटेच, जैसे हमारा उससे कोई नाता नहीं, हम संभाल भी करेंगे लेकिन विद डिटैचमेंट। माँ अपने बच्चों के साथ रहती है, उन्हें प्यार बहुत देना है लेकिन एक सेकंड में स्वयं को देह से न्यारा डिटैच भी कर लेना है। ये न्यारी और प्यारी स्थिति जो सभी को बहुत प्रिय लगेगी हमें बनानी है और हमें बहुत आगे बढ़ना है। तो आज सारा दिन हम अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा इस देह से न्यारी हूँ, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, चमकती हुई मणि हूँ, मुझसे निकली हुई रंग बिरंगी किरणें दूर दूर तक फैल रही हैं, मैं बहुत तेजस्वी हूँ। साधारण आत्मा नहीं, ऐसी आत्मा नहीं जो केवल प्रकाशमान है, बट मैं बहुत प्रकाशमान हूँ, मास्टर ज्ञान सूर्य। जैसे ज्ञान सूर्य का प्रकाश चारों ओर फैलता है, मेरा प्रकाश भी चारों ओर फैल रहा है और सामने हैं ज्ञान सूर्य शिव बाबा, उन्हें आंखों के सामने देखेंगे।
सामने उनकी रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। ये बहुत पावरफुल योग है। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य, आंखों के सामने ज्ञान सूर्य। आज बार बार ये अभ्यास करेंगे और इससे संसार को सकास भी देंगे। ओम शांति।